मीडिया। दिल्ली के चांद बाग में 7 अक्टूबर 2018 को बदलाव की बयार चैरिटेबल सोसाइटी के जेर एहतमाम बताउन उर्दू एकेडमी दिल्ली एक ऑल इंडिया मुशायरे का इनाकात किया गया। इस मौके पर दिल्ली के शायर वसलीम काशिफ और इंदौर के शायर प्रोफेसर जाकिर हुसैन जाकिर को फरोगे उर्दू अवार्ड से नवाजा गया। शायर सलीम काशिफ अपने दोस्तों के साथ अपने उस्ताद इकबाल अशर की सरपरस्ती में दिल्ली की उन बस्तियों में उर्दू को फरोग दे रहे हैं जहां लोग उर्दू से दूर हो रहे हैं। मुशायरा चीफ गेस्ट रहे आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर दिलीप पांडे, उद्घाटन किया चौधरी सुग्रीव, पूर्व निगम पार्षद ने। सदर मुशायरा हाजी मोहम्मद यूनुस के साथ जलवा अफरोज रहे महबूब आलम समाज सेवी। मुशायरे के कन्वीनर रहे शायर हाफिज वसीम जहांगीर आबादी और मुशायरे की खूबसूरत निजामत फरमाई शायर शकील बरेलवी ने। बदलाव की बयार सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हैं शमीम आलम। इन चार मिसरों के साथ मैं दावत देता हूं जनाब मोहतरम दिलीप पांडे साहब से, पहले कुछ शेर पढ़ेंगे वो फिर अपनी बात हम तक रखेंगे। परिंदों पर खुले रखना हमेशा तुम उड़ानों में, परिंदों पर खुले रखना हमेशा तुम उड़ानों में, अगर बाजू सिमट जाए मिलोगे कैद खानों में, अगर बाजू सिमट जाए मिलोगे कैद खानों में। जमीन पे चलने का जिसको सलीका तक नहीं आया, जमीन पे चलने का जिसको सलीका तक नहीं आया, वो उड़ के घर बनाना चाहता है आसमानों में। मैं गुजारिश गुजारूं जरा दिलीप पांडे सर से। बहुत बहुत शुक्रिया शकील भाई आपका। मंच पे इस डायस पे मौजूद इस महफिल के सदर जनाब हाजी यूनुस साहब, आम आदमी पार्टी के पार्षद भाई ताहिर हुसैन साहब, करावल नगर विधानसभा से हम सबके बड़े भाई चौधरी सुग्रीव साहब, खजूरी वार्ड से हमारे पार्षद साथी भाई मनोज त्यागी जी, और बहुत लंबी फहरिस्त है संगठन के सभी जिम्मेदार साथी पदाधिकारी और इस इलाके के सभी खास लोग, सभी मुअज्जिज़ लोग, आप सभी का मैं इस मंच के माध्यम से इस्तकबाल करता हूँ, आप सभी को सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। देखिए एक बात तो ये कि कोई सियासी मंच नहीं है, ये उर्दू अदब का मंच है, उर्दू जबान का मंच है, शेर व शायरी का मंच है, और बड़ी ईमानदारी से मैं स्वीकार करता हूँ इस बात को। मैं लिखता जरूर रहा हूं लेकिन मैंने लिखा है देवनागरी में, हिंदी में लिखा है, मेरी 3 किताबें भी आ चुकी हैं। पहली किताब पेंगुइन से आई थी जो अंग्रेजी का सबसे बड़ा प्रकाशक है देश का, और दूसरी किताब, बाकी की 2 किताबें जो है वो राजकमल से आई थी। राजकमल भी देश का सबसे बड़ा हिंदी का प्रकाशक है। मैं खुशनसीब हूँ कि इन बड़े बड़े पब्लिशर्स ने मेरी किताबें छापी हैं। आप लोगों की दुआओं की बदौलत मेरी 4थी किताब भी दिसंबर में आ रही है, बच्चों की कहानियां लिख रहा हूं इस बार में। तो कलम अपना काम करती रहती है, सियासत हर बार मुझसे कुछ छीनती है, कुछ अंदर से निकालती है, जो रस निकालती है कलम उस रस को दोबारा मेरे अंदर भर देती है, इसलिए लिखना बहुत जरूरी है ये मानता हूं मैं। कल को कुछ बनू ना बनू पर कलम का सिपाही जरूर रहूंगा, लिखता जरूर रहूंगा, लिखता कई भाषाओं में, 4-5 भाषाओं में लिखता हूं मैं, और मंचों से कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन आप लोगों की इजाजत होगी तो थोड़ा बहुत टूटा फूटा। बिल्कुल साहब इजाजत। उर्दू नहीं आती, जितनी सुनी है उतनी आती है, और तलफ्फुज भी बहुत खराब हो सकता है मेरा, इसलिए पहले ही माजरत चाहूंगा आप सब लोगों से, माफी चाहूंगा आप सब लोगों से, और फोन में लिखता हूं तो फोन ही खोलना पड़ेगा, बाकी कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। मैं चाहता हूं कि इस मंच से, चूंकि ये शेर व शायरी का मंच है, कोई सियासी बात किए बगैर मैं अपनी बात को सलीके से तरीके से रख के आप लोगों के बीच से यहां से इजाजत लूंगा। एक दो छोटी छोटी चीजें लिखी हैं आप लोगों से
उनको साझा करना चाहूंगा। हमसे पहले कई लोगों ने कौमी तहफ्फुज की बात करी, मुल्क में अमन चैन की बात करी, तो उसी पे चार लाइनें लिखी हैं आप लोगों के पेश नजर है। ठीक लगेगा तो हिम्मत बढ़ाइएगा तो खींचता खाँचता रहूंगा हमेशा, नहीं तो फिर ऐसी है बस। के तुम्हारी ईद मैं मनाऊं तो ये डर जाए, तुम्हारी ईद मैं मनाऊं तो ये डर जाए, तुम्हारी ईद मैं मनाऊं तो ये डर जाए, तुम मेरी होली में आओ तो भी ये डर जाए, तुम मेरी होली में आओ तो भी ये डर जाए। आओ देखिए, मैं मुझे पढ़ने नहीं आता, मुझे सलीका तरीका एहतियात कुछ भी नहीं आता, बस दिल की बात है साफ गोई से आपके सामने रख रहा हूं मैं आप लोगों की तवज्जो के साथ, कि तुम्हारी ईद मैं मनाऊं तो ये डर जाए, तुम मेरी होली में आओ तो भी ये डर जाए। आओ हम जीत लें नफरत को मोहब्बत से है दोस्त, आओ हम जीत लें नफरत को मोहब्बत से है दोस्त, और जो डरते हैं मोहब्बत से अपने घर जाए, और जो डरते हैं मोहब्बत से अपने घर जाए। देखिए बहुत ज्यादा तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, पर जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, और जब सिखाती है तो कलम मचलती है तो कुछ ना कुछ कागज पे उतर आता है। तो तजुर्बे के आधार पे एक लिखा कि थोड़ा, एक और शेर है आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूं, कि थोड़ा वक्त तो लगा, थोड़ा वक्त तो लगा पर मैं समझ गया, थोड़ा वक्त तो लगा पर मैं समझ गया, वे लोग सीढ़ियां थे कोई उन पे चढ़ गया, वे लोग सीढ़ियां थे कोई उन पे चढ़ गया, और हुई बद्दुआ की बारिश, हुई बद्दुआ की बारिश भीगा वो रात भर, हुई बद्दुआ की बारिश भीगा वो रात भर, आखिर उतर गया जो रंग उतरने को था, आखिर उतर गया जो रंग उतरने को था। और एक नज्म है जिसका अनुमान है आग, आप लोगों की पेशे खिदमत करना चाहूंगा, 5 मिनट लगेगा उसको सुनाने में, आप लोगों की इजाजत होगी तो पढ़ना चाहूंगा मैं। पढ़ने को तो 2-3 चीजें हैं लेकिन अब मैं डर रहा हूँ, काफी सारे लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए ये कवि है, आपने छेड़ दिया, अब वो निकले जा रहा है कुछ ना कुछ, तो मैं क्या करूँ, एक जल्दी से पढ़ देता हूँ। एक ऐसे ही मुक्तक लिखा हुआ है जिसका शीर्षक है हिसाब कौन करता है। आज के जिस जमहूरियत में हम रहते हैं, जिस डेमोक्रेसी में हम रहते हैं, उसमें बहुत मौजूद है, आप लोग सुनिएगा, समझ में आए तो बताइएगा, नहीं समझ में आए तो और जोर से बताइएगा, मेरा मेरी गफलत बनी रहेगी। कि कान के कपाट का, कान और कपाट मतलब कान का पर्दा, हिंदी का लफ्ज है, कि कान के कपाट का जीभ का ललाट का, जीभ मतलब जुबान और ललाट मतलब माथा, हमारी किस्मत, कि कान के कपाट का जीभ का ललाट का गेहूं का जाता का, जाता मतलब जिसमें गेहूं को पीसते उसे जाता कहते हैं हमारे गाँव में, कि कान के कपाट का गेहूं का जीभ का ललाट का गेहूं का जाता का खेती और विधाता का कर्जा और खाता का हिसाब कौन करता है। कर्जा और खाता का हिसाब कौन करता है, कहते हैं चलता है, कहते हैं चलता है, कहते हैं चलता है, पेट जब पिघलता है तब दम निकलता है, वोट देना खलता है, ऐसे मतदाता का हिसाब कौन करता है, ऐसे मतदाता का हिसाब कौन करता है। और अगला सुनिएगा कि आता है जाता है, हमारे मुल्क में कौन है जो बहुत कई बार आता है चला जाता है आता है, हमेशा हवाई जहाज में सवार रहता है, उसके ऊपर लिखा है कि आता है जाता है, झूठ को सच बनाता है, 15 लाख मांगा तब जय भारत माता है, ऐसे प्रधान सेवक का हिसाब कौन करता है, ऐसे प्रधान सेवक का हिसाब कौन करता है। बहुत बहुत शुक्रिया महबूब भाई आपकी इज्जत अफजाई का। आखिरी है कि देश सेवा धंधा है, देश सेवा धंधा है, नेता है झंडा है, मजहबी अफीम खाए देश हुआ अंधा है। फिर से कहता हूं मैं कि देश सेवा धंधा है, नेता है झंडा है, मजहबी अफीम खाए देश हुआ अंधा है, ऐसी जमहूरियत का हिसाब कौन
करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का, आपने मोहब्बत बरसाई, आप लोगों ने प्यार बरसाया। काम की बात आपके सामने इतनी सी है कि आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी का जुड़ा मैं, सियासत के जंगल का छोटा सा पौधा हूं मैं। आपके दुआओं की खाद मिलेगी इस पौधे को, आपके मेहनत की सिंचाई होगी इस पौधे को, तो ये पौधा कल को बड़ा हो सकता है। ये बड़ा होगा तो उसमें लगने वाला फूल आपका है, इसका फल आपका है, ये मर खप गया तो उसकी लकड़ी भी आपकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का। इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। ये थे मोहतरम अली जनाब, इज्जत मां आप दिलीप पांडे साहब। अब मैं आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MEDIA मीडिया, वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जल्द से कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या WhatsApp भी। मुझे इजाजत दीजिए।